कोरोना काल में सिखों के गुरु नानक जी महाराज के 551वें प्रकाश पर्व का आगाज हो गया है। इस पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए सिख श्रद्धालुओं ने प्रभात फेरी के साथ ही उत्सव की तैयारी कर ली है। पटना सिटी गुरुद्वारा, जो कि गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है, यहां गुरु नानक जी महाराज को लेकर प्रकाश पर्व मनाने का उत्साह चरम पर है। पिछले 5 दिनों से सिख धर्म के लोग प्रभात फेरी निकाल रहे हैं और गुरु से आशीष की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर पटना सिटी में प्रभात फेरी निकाली गई। तख्त श्री हरमंदर साहिब गुरुद्वारा से पंच प्यारे के अगुवाई में निकाले गए प्रभात फेरी में सैकड़ों सिख श्रद्धालु उपस्थित हुए और गुरु कीर्तन भजन गाते हुए नजर आए। बड़ी प्रभात फेरी गुरुद्वारा से प्रारंभ होकर पटना साहिब रेल स्टेशन के रास्ते नगर भ्रमण करते हुए पुनः तख्त श्री हर मंदिर पहुंचा, जो बड़ी और अंतिम प्रभात फेरी के रूप में आज मनाया गया। नानक जयंती चल रही है, परसों हम लोग का गुरु नानक जयंती है, तो आज लास्ट प्रभात फेरी है जो हम लोग 5 दिनों से रेगुलर निकाल रहे हैं। हर गुरुद्वारे गुरुद्वारे जाके कीर्तन करते हैं, प्रभात फेरी निकालते हैं, तो आज आखिरी प्रभात फेरी है जो यहाँ से जाके गुरुद्वारा जाएगी, गुरुद्वारा साहब जाके मत्था टेके। ये हम लोग गुरुद्वारा से चल के स्टेशन के रास्ते होते हुए अब गुरुद्वारा साहब में जाएगी, वहाँ मत्था टेकेंगे। क्या नाम हुआ? इंद्रजीत कौर। 29 नवंबर यानी आज गुरु के बाग से नगर कीर्तन निकाला गया और साथ ही 30 नवंबर यानी कल गुरु नानक जी महाराज का प्रकाश उत्सव मनाया जाएगा। खुलासा के लिए पटना सिटी से अरुण कुमार की ये रिपोर्ट।